अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रात के समय चलने वाले उद्योगों को 15% सस्ती बिजली मिलेगी। इस व्यवस्था को 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर लागू किया जाएगा। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य महाप्रबंधक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि लाइन लॉस कम होने के कारण पिछले 3 सालों से बिजली विभाग लाभ में चल रहा है। ऐसे में खपत कम होने के कारण रात्रि शिफ्ट में उद्योग चलाने पर उद्यमियों को 15% सस्ती कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 1 नवंबर से लागू होने वाली यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी। आपको बता दें कि उन्होंने आज करनाल के गांव काछवा में सरदार पटेल ग्रामीण पुस्तकालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि म्हारा गांव जगमग योजना में भाग लेने वाले गांवों में बिजली वितरण निगम की नई पहल है। इसके तहत इन गांवों में सरदार पटेल पुस्तकालय खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली चोरी रोकने के लिए अब कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, इससे चोरी की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना में 4700 गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे के शेड्यूल पर आ चुके हैं और बाकी के गांव में भी इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर कार्य जारी है, इन मीटरों में गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। का एक प्रावधान होता है, हमारी बिजली वितरण कंपनियां स्टेट की अब प्रॉफिट में आ गई हैं। पिछले 3 साल से हम लगातार प्रॉफिट में हैं और जो कंपनियां प्रॉफिट में होती हैं उनको अपने लाभांश का, पिछले 3 साल के लाभांश का जो एवरेज है उसका 2% कम से कम वो पैसा जो सोशल सर्विस और CSR एक्टिविटीज़ में उसको खर्च करना होता है। तो उसी के तहत हम सब लोगों ने इस पर एक विचार किया और ये एक इसमें तय किया कि हम कोई ऐसा एक काम करें जो स्टेट में एक उस पे जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे बहुत मेजर बदलाव आया है। हमारा जो पहले 12 घंटे की बिजली हम दे पाते थे गाँव में, अब हम उसको 24 घंटे पर लेकर के आए हैं। गाँव में लॉसेस कम हुए हैं, इसमें बहुत सहयोग मिला है गाँवों में गाँव के लोगों से। तो उनके लिए हम कोई ऐसी पहल कर पाएँ जिससे यूथ और जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में मदद मिले। तो ये पहला एक एक्सपेरिमेंट था, तो इसी की तर्ज पर हम जितना भी हमारा CSR का पैसा है वो हम गाँवों में सरदार पटेल पुस्तकालय की एक सीरीज़ वो पूरे प्रदेश में जो ऐसे गांव हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम में भाग लिया है तो उनको वहां पे हम ये इस तरीके के पुस्तकालय बनाएंगे। सर कितने लगेंगे सर पूरे हरियाणा में? देखिए जितना हमारा इस बार जैसे उत्तर निगम की बात करें तो करीब हमें 3 से 4 करोड़ रुपये हम इसी काम के लिए खर्चेंगे और ये एक ऐसा पुस्तकालय 20 लाख के 25 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट आती है तो उसमें हम 10-15-20 गांव कर पाएंगे। 20 गांव के करीब इसमें हमारे उत्तर निगम में होंगे और इतने ही हम दक्षिण निगम में करेंगे। तो हर साल गांव कितने हो चुके हैं तक जगमग योजना? जगमग योजना में लगभग 4,750 गांव हैं जो 24 घंटे के शेड्यूल पे आज चल रहे हैं। 7,000 गांव लगभग हमारे पूरे प्रदेश में हैं, उनमें 4,755 गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे के शेड्यूल पर हैं। तो शहरी तर्ज पर बाकी गाँव पे भी काम चल रहा है और जहाँ पे और कई ज़िले हैं जैसे कैथल है, सोनीपत है, पलवल है, नारनौल है, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है और धीरे धीरे जो बच्चे ऐसा है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी आए थे तो इस तरीके की चीज़ें थी, ऐसा कहीं भी आता है तो उसको हम चेक मीटर लगा के उसको हम चेक कराएंगे। और जहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है, ये तो केवल एक मीटर है, वो बिजली तो उतनी खपत होनी है पहले की तरह से, तो उसका लाभ ये है कि भाई किसी हर महीने आपके यहाँ कोई मीटर रीडिंग के लिए नहीं आएगा तो जो गलती का स्कोप होता है मीटर रीडिंग को, मीटर रीडर जब रीडिंग लेता है तो लिखने में गलती हो सकती है, पंचिंग में गलती हो सकती है, अब ये रिमोटली होगा और जो फ़र्क एक लैंडलाइन में और मोबाइल फ़ोन में है वो फ़र्क है स्मार्ट मीटर और दूसरे मीटर में। लोग जो इंडस्ट्री हमारी रात को अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगी, एक्स्ट्रा जो यूनिट होंगी
उसको और भी ज्यादा 5 रुपए के लगभग प्रति यूनिट की दर से उनको। ट्रांसफार्मर थेफ्ट के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था कि जो कॉपर के ट्रांसफार्मर आते थे जिनकी चोरियां ज्यादा होती थी, हालांकि वो कॉपर का ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होते हैं, पर वो एक बड़ा फैसला लेके वो एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर ही खरीदते हैं जो सस्ता होता है, तो चोरी की जो मोटिव है वो नहीं रहता। तो उसके बाद से ये जो फैसला किया गया तो अब सारे ही ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम के आते हैं, तो वो चोरियाँ टू दैट एक्सटेंट कम हुई। रिसेंटली अभी परसों ही करनाल पुलिस ने 360 केसेस कलेक्ट किए। चोर पुलिस का खेल तो चलता रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.